सोलन शहर के सत्यन शर्मा जहां हर रोज अपने सहयोगियों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, वहीं महीने में चार बार सत्यन शर्मा शहर में विशेष स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। सत्यन शर्मा का कहना है कि स्वच्छता को किसी पर भी थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इंसान को इस बारे में स्वयं अनुशासित होना चाहिए। हम शिक्षा क्रांति स्वच्छता गृह एक परियोजना के तहत पिछले 8 से 10 वर्षों से शहर में सफाई अभियान कर रहे हैं। हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं। तो जिस तरह से आजकल भारत सरकार का जो स्वच्छता ही सेवा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू किया है, उसमें हमारी संस्था से जुड़े सभी वॉलेंटियर्स हर स्तर पर सफाई अभियान कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्कूलों में जाकर बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छता के प्रति सत्यन की इसी लगन के चलते उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनका कहना है कि अधिक से अधिक युवाओं को इस पुनीत कार्य में आगे आना चाहिए। हम तो पिछले 10 वर्षों से सफाई अभियान करते हैं। हम प्रतिदिन 5 से 6 घंटे स्वच्छता के लिए देते हैं और सामूहिक तौर पर हमारी संस्था सप्ताह में एक बार 40 से 50 युवा, इतना ही नहीं शहर के स्थानीय लोग भी इकट्ठा होते हैं और जगह जगह शहर में जहां भी कूड़ा कचरा मिलता है उसको साफ सुथरा करते हैं। स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए सत्यन शर्मा स्वच्छता गृह शिक्षा क्रांति नाम से एक संस्था भी चला रहे हैं और अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ चुके हैं। सोलन से लक्ष्मी दत्त के साथ नंदनी मित्तल, DD News, शिमला।